वैक्सीन की किल्लत के बीच बड़ी राहत की खबर है। पुणे सीरम इंस्टीट्यूट से राजधानी पहुंची है कोविशील्ड वैक्सीन। 22 बॉक्स में भरकर 2,53,580 डोज वैक्सीन झारखंड पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर टीकाकरण वाहन के माध्यम से इसे ले जाया गया है। नामकुमार सीएच मौके पर मौजूद, टीकाकरण कर्मचारी एवं सुरक्षा कर्मी भी इस दौरान मौजूद रहे। बंद पड़े टीकाकरण केंद्र में भेजी जाएगी वैक्सीन और खत्म होगी वैक्सीन लेने की आपाधापी। तो जो एक आपाधापी की स्थिति बन गई थी, क्योंकि जो शॉर्टेज है वैक्सीन के उसे लेकर लगातार लोगों में कहीं ना कहीं आपाधापी की स्थिति देखी जा रही थी। लोग परेशान हो रहे थे और इसे लेकर केंद्रों में भी कई बार क्या है कि लंबी कतारें देखने को मिली और वहां पर भी जो स्थिति है उसे संभालने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा था। तो ये स्थिति तब थी जब अचानक से ये भी खबर पहुंची कि शॉर्टेज है, झारखंड में शॉर्टेज होने वाले हैं वैक्सीन की। लेकिन इस बीच बड़ी राहत की खबर है ये, और 22 बॉक्स में भरकर 2,53,580 डोज वैक्सीन झारखंड पहुंच चुका है। एयरपोर्ट पर टीकाकरण वाहन के माध्यम से इसे ले जाया गया है। साथ ही बंद पड़े टीकाकरण केंद्र में भेजी जाएगी वैक्सीन। तो एक राहत भरी ये खबर, 2,53,580 डोज वैक्सीन झारखंड पहुंच चुकी है। वैक्सीन किल्लत के बीच में बड़ी राहत की खबर, पुणे सीरम इंस्टीट्यूट से राजधानी पहुंची है कोविशील्ड वैक्सीन के 22 बॉक्स और इसमें है 2,53,580 डोज। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसमें कि 22 बॉक्स में 2,53,580 डोज जो है वो कोविशील्ड का वो रांची पहुंच चुका है। तो जो किल्लत कोविशील्ड वैक्सीन लेने के लिए देखने को मिल रही थी वो अब दूर होगी और फिर उसी तेजी के साथ झारखंड में वैक्सीनेशन अभियान रफ्तार पकड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अगर विशेषज्ञों की माने तो वैक्सीन जो है वो बहुत ही कारगर हथियार साबित होने वाला है और यही वजह है कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। झारखंड में आपने देखा होगा, हम लगातार आपको शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो किस तरह से लोग जो है वो बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपने भी टीका नहीं लिया है तो बेहतरीन मौका है, केंद्रों में जाकर टीका आप भी लें और सुरक्षित रहे, परिवारजनों को सुरक्षित रखें। 2,53,580 डोज झारखंड में आना एक राहत की खबर।